हेलो फ्रेंड्स, आई एम सीए वर्धमान डागा फ्रॉम अरहम इंस्टीट्यूट। आज इस वीडियो में मैं आपको ये बताने वाला हूँ, जो हमारे पास लास्ट 45 डेज बचे हैं सीए फाउंडेशन के एग्ज़ाम के लिए, उस 45 डेज में हम कैसे प्रिपरेशन करेंगे। देखो फ्रेंड्स, एक चीज़ तो समझ लो, आखिरी के 45 डेज है, हमें बहुत पढ़ने की ज़रूरत है। दिन रात एक करके पढ़ना होगा, एकदम पागलों की हद तक पढ़ना होगा, तभी हम 45 डेज अच्छे से पढ़ के ही सीए फाउंडेशन निकाल सकते हैं। अगर आप 45 डेज ये मेरे हिसाब से चले और मेरे शेड्यूल को फॉलो करते हैं, मैं जैसा बता रहा हूँ वैसा अगर आप पढ़ते हैं, तो मैं ये चीज़ गारंटी कर सकता हूँ कि आप कन्फर्म पास हो जाएंगे मे अटेम्प्ट पर, प्रोवाइडेड आपको स्ट्रिक्टली फॉलो करना पड़ेगा जैसा मैं बता रहा हूँ। अब बात ध्यान से सुनिएगा कि हमें करना क्या है। सबसे पहले जो ये 45 डेज दिए हुए, इसमें सबसे पहले आप ये समझिए कि लास्ट के 5 डेज तो हम अकाउंट्स के लिए छोड़ देंगे, ठीक है। लास्ट के 5 डेज हम अकाउंट्स के लिए छोड़ते हैं, तो प्रैक्टिकली 40 डेज, पर एक बार के लिए हम कंप्लीट 45 डेज समझ सकते हैं। अब बात ध्यान से सुनिएगा, 45 डेज में हमें हर दिन कम से कम 10 से 12 घंटे पढ़ना है। आप बोलेंगे सर 10 से 12 घंटे तो बहुत ज़्यादा होते हैं। मानता हूँ ज़्यादा होते हैं, बट हमारे पास अभी कोई ऑप्शन नहीं है। देखिए, पूरा इंडिया लॉकडाउन है, क्लासेस अभी हो नहीं पा रही है। मैं भी आपके लिए वीडियो बनाने के लिए कहाँ कहाँ से चीज़ें इधर उधर से सब जुगाड़ करके बना रहा हूँ वीडियो, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि अगर आप ये 45 डेज प्रॉपर शेड्यूल से चलते हैं तो आप पास हो जाएंगे। जब मैं एफर्ट दे सकता हूँ तो आपको भी थोड़ी सी एफर्ट देना होगा ताकि आप पास हो जाएं। अब बात ध्यान से सुनिए, आप कम से कम रोज 10 से 12 घंटे पढ़िए। आप बोलेंगे सर 10 12 घंटे ज़्यादा नहीं है। नहीं है, अगर आप प्रॉपर दिन में शेड्यूल बनाएंगे, क्योंकि अभी हमारे पास कहीं जाने की टेंशन नहीं है, कहीं इधर उधर कुछ नहीं है, हमें सिर्फ घर में रहना है, तो घर में रह के सिर्फ पढ़ना है। तो अगर पढ़ना है और हमारे पास कोई और काम नहीं है तो 10 से 12 घंटे हम पढ़ सकते हैं, ठीक है। अब 10 से 12 घंटे में आप कैसे डिवाइड करेंगे टाइम को, किस सब्जेक्ट को कितना टाइम देंगे। देखिए, सबसे पहले 2 घंटा लॉ को दीजिए, 2 घंटा इकोनॉमिक्स को दीजिए, 3 घंटा अकाउंट्स को और 3 घंटा मैथ्स को, ठीक है। आप बोलेंगे सर ये तो 10 ही घंटा हुआ, मैंने एक बार 10 घंटा मिनिमम के हिसाब से बनाया है। आप इससे ज़्यादा भी दे सकते हैं, पर इससे कम मत करिएगा। ज़्यादा देंगे तो आप और अपने ऊपर एड ऑन करते हैं, एड ऑन करेंगे तो इसका बेनिफिट आपको एग्जाम में मिलेगा, ठीक है। ध्यान रखना कि ये स्टैंडर्ड है। आप बोलेंगे सर क्या इसके इसमें हम कुछ चेंजेस कर सकते हैं। हाँ, आप अपने हिसाब से चेंजेस कर सकते हैं। ये मैंने एक ऐसे ही बता दिया है कि जिसको जमे जिस टाइप से जैसे भी फॉलो करे, पर ये ध्यान रखिए कि कम से कम रोज का 10 घंटा पढ़ना है, मतलब पढ़ना है। अगर आप प्रॉपर तरीके से पढ़ते हैं, शेड्यूल फॉलो करते हैं, तो गारंटीड आप पास हो सकते हैं एग्जाम में, ठीक है। तो जैसे कि फ्रेंड्स, हमारे पास 45 डेज थे, 45 डेज में से मैंने आपको बताया 5 दिन आखिरी के आप अकाउंट्स के लिए छोड़ दो, तो हमारे पास 40 डेज है। अब 40 डेज में हम लॉ कैसे प्रिपेयर करेंगे, मैं आपको ये बताने वाला हूँ। ध्यान से सुनिएगा, लॉ को अपन दो पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं, अपना जो लॉ का पूरा सब्जेक्ट है, एक तो लॉ कोर एरिया लॉ का और एक इंग्लिश। अब देखिए, लॉ में हम 25 डेज डोनेट करें, मतलब 25 डेज देंगे हम। अब ये जो 25 डेज देंगे वो हम कैसे कैसे देंगे, सबसे पहला कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में 11 दिन देंगे, सोगा में 7, आईपीए में 4, एलएलपी एक्ट में 1 दिन और कंपनीज एक्ट में 2 दिन। अगर किसी को लगता है तो वो यहाँ पर कुछ अपने हिसाब से डेज चेंज कर सकता है, ऐसा कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। बट इम्पॉर्टेंट ये है कि आप 25 डेज में इसको ख़त्म करें। आप बोलेंगे सर 15 दिन बच गए हमारे पास, आप तो 10 यहाँ दिए, 5 दिन का क्या करेंगे। देखो, जो 5 दिन हमारे पास बचे हैं, उन 5 दिन में हम लॉ वाले जो पोर्शन है, ये लॉ वाला जो पोर्शन है, उसकी लास्ट 3 अटेम्प्ट के आरटीपी, मॉक टेस्ट पेपर्स और एग्जाम का पेपर जो लास्ट 3 अटेम्प्ट में आए हैं, उन सबको देखेंगे। अब एक बात ध्यान से सुनो, सिर्फ लॉ पढ़ने से पास नहीं हो पाओगे, सीरियसली स्पीकिंग, सिर्फ लॉ पढ़ने से पास नहीं हो पाओगे। आपको लॉ पढ़ने के बाद उससे रिलेटेड पेपर कैसे आते हैं, उससे रिलेटेड क्वेश्चन कैसे आते हैं, ये भी देखना ज़रूरी है। जब आप ये पेपर्स और ये सब देखोगे, तो आप हर एक क्वेश्चंस को देखना कि किस वैरायटीज़ के क्वेश्चन या किस टाइप के क्वेश्चंस इंस्टीट्यूट हमसे पूछता है। एक बार हमें समझ आ जाए कि किस टाइप के क्वेश्चंस हमसे पूछता है इंस्टीट्यूट, उसके बाद हमें एग्ज़ाम में कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो सबसे इम्पॉर्टेंट है कि आपका क्वेश्चंस अच्छे से देखना। अब आप कुछ लोग बोलोगे सर हम लिखेंगे कैसे, लिखने का तरीका क्या होगा। लिखने का तरीका मैं नेक्स्ट वाली वीडियो में बताऊंगा कि आपको लॉ का पेपर लिखना कैसे है, पर अभी इम्पॉर्टेंट ये है कि आपको ये सब चीज़ें फॉलो करना है, ठीक है। पेपर लिखने वाला तरीका मैं समझाऊंगा। उसके बाद इंग्लिश को 10 डेज लिखा है मैंने, आप इंग्लिश को पूरे 10 दिन मत लगाना। आप प्रैक्टिकली इंग्लिश को कोशिश करिएगा 7 दिन या 6 दिन में कंप्लीट करने की, ठीक है। 13 चैप्टर है, 13 चैप्टर को 6 या 7 दिन में कंप्लीट करिएगा, और उसके बाद उसके भी पेपर्स
साइमल्टेनियस देखना। कैसे देखोगे? पहले लॉ पढ़े, लॉ का तीनों चीज देखे, फिर इंग्लिश पढ़े, इंग्लिश का तीनों चीज देखे। आप अगर ऐसा करते हो तो आपके दिमाग में एग्जाम तक पूरा हर एक चीज परफेक्टली फिट हो जाएगी। आपको फिर कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं होगी, आपके दिमाग में सब रहेगा। देखो फ्रेंड्स, आपको लगेगा सर ये बहुत ज़्यादा नहीं होगा या बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं है। देखो मेहनत तो है, मेहनत तो करना पड़ेगा, हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है। वैसे भी लॉकडाउन है, बेटर है घर में बैठो और अच्छे से पढ़ो। ठीक है फ्रेंड्स, ध्यान रखना, कुछ अगर डाउट्स आए, कोई चीज़ ना समझ आए तो वो आप मुझसे पूछ सकते हो। रही बात ये RTP और मॉक टेस्ट पेपर या एग्ज़ाम पेपर्स, ये सब आप मुझे डिस्क्रिप्शन में कमेंट बॉक्स में जाके अपना जीमेल आईडी दे दीजिएगा, मैं आप सबको जीमेल में ये सब पेपर्स भेज दूंगा। ठीक है, इसकी आप टेंशन मत लीजिए, आप पढ़ना स्टार्ट करिए। नेक्स्ट 25 डेज एकदम प्रोडक्टिवली, ये 45 डेज कंप्लीट एकदम 100% कॉन्सेंट्रेशन के साथ प्रोडक्टिवली पढ़िए। कोई डाउट्स आता है आप मुझसे पूछ सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर भी रहता है, उसमें भी क्लियर कर सकते हैं डाउट्स। जैसे चाहे पूछना है पूछिए, जो मेहनत करना चाहे करिए, आप भी मेहनत करिए, मैं भी मेहनत करूंगा। जैसी मेहनत आपको चाहिए मेरे से, मैं वैसी मेहनत करने को तैयार हूँ, प्रोवाइडेड आपको सिर्फ पढ़ना है, आपको अपना 100% एफर्ट देना है। ठीक है फ्रेंड्स, एट लास्ट मैं आपको यही बोलना चाहूँगा, थैंक यू फ्रेंड्स, बट ध्यान रखिए, अभी भले ही जितना भी डिस्ट्रैक्शन हो घर में, प्लीज़ डिस्ट्रैक्ट मत होइएगा, प्लीज़ पढ़िए, प्लीज़ रिक्वेस्ट है, 45 डेज लास्ट है, ठीक है, प्लीज़ पढ़ना है। ठीक है, थैंक यू फ्रेंड्स।